मुल्क में आटे समेत अशिया खुरोनोश की किल्लत नहीं होनी चाहिए, कीमतों पर भी नज़र रखी जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। वफाकी काबीना ने कोरोना रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का माल भी नहीं रोका जाना चाहिए, इमरान खान। ड्राइवर्स के लिए मखसूस ढाबे और होटल्स खोलने की तजवीज़। लॉकडाउन में बढ़ गए दाम, अवाम का जीना हराम। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत कई शहरों में अशाए खुरनोश की कीमतें आसमान पर। कई इलाकों में आटा नायाब, चीनी, दालें और सब्जियां पहुंच से बाहर। कोरोना बेकाबू, मजीद 4 अफराद जान बहक। अब तक 25 संवाद, 148 नए केसेज रिपोर्ट, तादाद 1865 हो गई। पंजाब में 652, सिंध 627, खैबर पख्तूनख्वा 221, बलोचिस्तान में 153 अफराद मुतासर, 58 मरीज सेहतियाब। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का टेस्ट रन मुकम्मल। वजीर आजम आज शाम नौजवानों की रजिस्ट्रेशन का आगाज करेंगे। 10 अप्रैल तक सिटीजन पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करने की सहूलत। मुकम्मल लॉकडाउन पर फोर्स एक्टिव होगी। गैर मयारी टेस्टिंग किट्स की भरमार, सिर्फ तस्दीक शुदा किट्स इम्पोर्ट की जाएं, फवाद चौधरी का मशवरा। पाकिस्तान को मिलने वाली कोरोना किट्स तस्दीक शुदा हैं, NDMA का वफाकी वजीर को जवाब। शहबाज शरीफ के बिलावल, फजलुर रहमान, सिराजुल हक और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते। कोरोना वायरस के बहरान पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। पार्लियामेंट्री रिलीफ मॉनिटरिंग कमेटी की तश्कील के हवाले से मुशावरत। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाकर वाजे किया जाए कि लॉकडाउन होगा या नहीं। वजीर आजम के कौम से खिताब ने अहम फैसलों पर सवाल उठा दिया। जिंदगियां बचाने की कौमी हिकमत अमली बनाना बच्चों का खेल नहीं, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ का जहरीला प्रोपोगेंडा कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक। लंदन से आते ही गली मोहल्ले की सियासत शुरू कर दी। लीगी सदर तनकीद ऐसे कर रहे हैं जैसे लाखों वेंटिलेटर्स छोड़कर गए थे, फयाजुल हसन चौहान। फिरदौस बाजी, शहबाज शरीफ के बजाय आवाम पर तवज्जो दें, सियासत के बजाय अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। हुकूमती तर्जुमान कोरोना से बचाव के लिए आगाही फैलाने पर तवानाइयां सर्फ नहीं कर रहे, राना सनाउल्लाह की तनकीद। विफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना से बचाव के लिए मजीद इकदामात। पाक सेक्रेटरिएट, सब्जी फ्रूट मंडी, 8 कच्ची आबादियों के दाखिली रास्तों पर 20 स्प्रे वॉक थ्रू गेट नष्ट करने का फैसला। में लॉकडाउन का नवा रोज, शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोकने के लिए इकदामात। कराची में 12 से ज्यादा मकामात पर मजीद नाके, लोहे के ड्रम्स रखकर सड़कें ब्लॉक। खिलाफ वर्जी पर 238 अफराद गिरफ्तार, 73 मुकदमात। नौ अफराद एक ही रिक्शे में सवार। कोरोना का खतरा, कराची वालों का गैर संजीदा रवैया इंतहा पर। शहरियों ने बहाने बनाने में बच्चों को पीछे छोड़ दिया। कहीं डबल सवारी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी, तो कहीं फर्जी बीमारी की आड़ में मटर गश्त। लोगों की लापरवाही से वायरस फैलने के खदशात बढ़ गए। हॉस्पिटल गए थे देखने के लिए, जाहिर सी बात है घर से दो बंदे तो जाएंगे। मना भी किया, हम बोले मरीज आगे तक जा रहे, इसलिए मैंने बिठाया। मैयत पे भी जाना जरूरी ना, भाई का इंतकाल हो गया था। नहीं, हम अपने घर ही जा रहे थे, वो मिलेनियम के पुल के नीचे, लेकिन वहाँ से जाने नहीं दिया हमारे को। घर पर रहें, महफूज रहें। पंजाब में लॉकडाउन, लोगों को महदूद करने के लिए जगह जगह फौजी जवान और पुलिस अहलकार तैनात। खाने पीने की अशिया और दूध दही की खरीदारी के लिए रात 8 बजे तक की मोहलत।
ماضی کے حکمرانوں نے شعبہ صحت کو نظر انداز کیا، موجودہ حالات میں اپوزیشن جماعتوں کا رویہ مایوس کن ہے، اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، عوام کے تعاون سے کرونا پر قابو پائیں گے، وزیراعلی عثمان بزدار۔ کرونا سے صنعتی اور تجارتی سرگرمیاں محدود، پیٹرول اور گیس کی کھپت میں 40% تک کمی، ہائی اسپیڈ ڈیزل کا استعمال بھی آدھا رہ گیا، قطر سے ایل این جی کے 5 کے بجائے 3 جہاز منگوانے کا فیصلہ۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں 8ویں روز بھی کاروباری مراکز، مارکیٹیں اور ہوٹلز بند، میڈیکل سٹورز، کریانہ، تنور، سبزی اور فروٹ کی دکانوں کو استثنا، لاک ڈاؤن کے باعث ٹریفک کم، سڑکیں ویران۔ خیبر پختونخوا میں کرونا روکنے کے لیے اقدامات، پشاور میں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ایکٹیو، شکایات درج کرنے کے لیے ہیلپ لائن کی سہولت، شہریوں کا ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ۔ مہلک وائرس سے نمٹنے کے لیے جسم میں اینٹی باڈیز اور سفید خلیات کا ہونا ضروری، کرونا سے مضبوط قوت مدافعت والا شخص ہی بچ سکتا ہے، طبی ماہرین، شہد، پھلوں اور سبزیوں کے استعمال کا مشورہ۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر اگر ایگزسٹنگ بیماریاں ہوں یا آپ کرونک سموکرز ہیں، سموکنگ کو کم کریں، چیسٹ کا مسئلہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں جو بیماریاں باڈی کے اندر دوسری چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی امیونٹی کو ڈاؤن کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ کرونا کی جب کر انفیکشن ایسے مریضوں کو لگے گی تو وہ زیادہ جان لیوا ہو سکتی ہے۔ جوسز سے زیادہ آپ پھلوں کا استعمال کریں، کیونکہ جو وائٹمن سی رچ فروٹس ہیں اس کے اندر تو جیسے خربوزے میں، امرود میں، سٹرس فروٹس جیسے کینو، موسمبی، چکوترا، لیمو، ان سب چیزوں میں وائٹمن سی کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے۔ متوازن غذا کو ایک اچھی مقدار میں روز مرہ کے بیسس پہ استعمال کرنے سے ہی ایک اچھا امیونٹی یا قوت مدافعت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ نواز شریف کو کورونا کے پیش نظر سیلف آئسولیشن میں رہنے کی ہدایت، دل کو خون سپلائی کرنے والے شریانیں مزید تنگ، ادویات کی مقدار بڑھا دی گئی، احتساب عدالت میں جمع کرائی گئی میڈیکل رپورٹس، دنیا نیوز کو موصول۔ چیئرمین اور پبلشر جنگ گروپ میر جاوید الرحمان کراچی میں انتقال کر گئے، وہ پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ریلیف پیکج کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ ملک میں آٹے سمیت اشیاء خور و نوش کی قلت نہیں ہونی چاہیے اور قیمتوں پر بھی نظر رکھی جائے۔ عمر جٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، وزیراعظم کرونا ریلیف پیکج کی منظوری دے دی گئی، وزراء کا حکومتی اقدامات کی بہتر تشہیر نہ ہونے پر اظہار تشویش۔ کابینہ اجلاس میں کرونا وائرس کے 22 ملک کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جبکہ کابینہ کو بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ ملک میں آٹے سمیت اشیاء خورد و نوش کی قلت نہیں ہونی چاہیے اور قیمتوں پر بھی نظر رکھی جائے۔ وفاقی وزیر مراد سعید اور فیصل واڈا نے کہا کہ کرونا کے حوالے سے وزیراعظم کے بروقت اقدامات کو نمایاں انداز میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ وزیراعظم نے ایکسپورٹرز کا مال روکے جانے کی اطلاعات کا نوٹس لیتے ہوئے ہدایت کی کہ گڈس ٹرانسپورٹ سمیت ایکسپورٹرز کا مال نہیں روکا جانا چاہیے، متعلقہ وزارت اور حکام معاملے کو دیکھیں۔ کابینہ ارکان نے ٹرانسپورٹرز کے لیے مخصوص ڈھابا ہوٹلز کھولے جانے کی بھی تجویز دی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہونے لگی ہے، اشیاء خور و نوش نہ ملنے کے باعث شہری جبکہ کاروبار ٹھپ ہونے پر دکاندار پریشان ہیں۔ اسلام آباد سے دیکھتے ہیں اسما شوکت کی رپورٹ۔ بابا اور شہر اقتدار میں لاک ڈاؤن، اشیاء خورد و نوش کی سپلائی لائن بھی متاثر، آٹا، چینی، چاول سمیت ہر شے کی کمی، شہریوں کے بعد دکاندار بھی پریشان۔ مین منڈی ہے وہاں سے سامان بند پڑی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سامان لانے میں مشکل ہے، جو ہمارے پاس دکان میں پہلے کا سامان پڑا ہوا ہے ہم وہی بیچ رہے ہیں۔ سیل مین نہیں آ رہے ٹریفک کی وجہ سے، بند ہے سامان، باقی کسٹمر بھی آگے پیچھے دیہی علاقوں میں اپنے چلے گئے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ ہول سیل مارکیٹیں بند ہونے کے باعث ان کو مال خریدنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کارڈ اگر کہیں سے مل رہے ہیں وہ بلیک میں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر 100 والا کارڈ ہے تو وہ ہمیں 100 کا کہتے ہیں آپ کو ملے گا،
तो ये सारी परेशानियाँ सामने आ रही हैं। डिटोल के लिए कल भी हम घूमे, डिस्ट्रिक्ट टू स्टोर भी गए हैं और भी काफी जगह पे ट्राई किए, डिटोल तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा यहाँ पे। दुकानदारों का कहना है कि वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमती इकदाम अपनी जगह, मगर 24 घंटों में कुछ देर के लिए होलसेल मार्केट्स भी खुलनी चाहिए ताकि सप्लाई चेन मुतासिर ना हो। दुकानदारों ने खदशा जाहिर कर दिया है कि अगर हुकूमत की जानिब से जरूरत अशिया की सप्लाई चेन को बहाल ना किया गया तो दुकानें बंद करनी पड़ सकती हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना होगा। कैमरामैन खालिद गर्दीजी के साथ इस्मा शकर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क में लॉकडाउन से महंगाई का नया तूफान आ गया है। होल सेल्स मार्केटों में आटा, चीनी, चावल और दालों की कीमत में 10 से 40 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है। आम दुकानों पर अशिया खुर्द नोश आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। इस हवाले से तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदा मंसूर सत्ती से। इस टाइम में मौजूद हूँ रावलपिंडी की सबसे बड़ी मार्केट है गंदम मंडी, जहाँ से शेख खुदनोश की सप्लाई रावलपिंडी, इसके गिर्दोनवा के इलाकों में की जाती है, हत्ता के आज़ाद कश्मीर में भी यहीं से सप्लाई की जाती है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो मार्केट के सदर हैं, हाजी मोहम्मद इस्लाम साहब, उनसे बात करेंगे कि आई साहब ये बताइएगा, ख़ास करके बहुत ज़्यादा हमें शिकायत मौसूल हो रही हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं दालों की, चावलों की, क्या वजह समझते हैं, क्या वजह इसकी? इसकी वजह यह है कि ये बाहर से माल आता है, यहाँ मंडी में पैदावार तो कोई नहीं है, ये आती है बाहर से, जिस वजह सप्लाई रुक जाती है तो 10-20 रुपए चेड़ी हो जाती है। दाल चना पहले थी 130 रुपए, इस वक्त बिक्री है 140 रुपए। माश की दाल पहले भी 200 रुपए किलो थी, अब भी 200 की बिक रही है। मूंग की दाल की शार्टेज है, इस वजह से वो 225 रुपए किलो बिक रही है। लेकिन इससे जब सप्लाई रुक गई तो तेज़ी भी आएगी, माल भी शार्ट हो जाएगा, ये किसी इलाके में नहीं जाएगा। क्या ये भी कहना है कि अगर इस तरह की सूरत रही, अगर सप्लाई जिस तरह की इनको जो इनके पास स्टॉक मौजूद है वो ये एक महीना तक रावलपिंडी और इसके गिर्दोनवा इलाकों को आप सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन अगर सप्लाई रुक गई तो सूरत मजीद जो है वो ख़तरनाक होगी और जो कीमतें भी बढ़ेंगी और साथ साथ जो शेख खुर्दनोश की जो शॉर्टेज है वो भी मजीद बढ़ेगी। जी मंसूर सती अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद की, अब बात कर लेते हैं। फैसलाबाद में लॉकडाउन के दौरान ज़खीरा अंदोज खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। आटे के 20 किलोग्राम थैले की कीमत 805 रुपए से बढ़ाकर 1300 रुपए तक पहुंचा दी गई है, जिससे आम शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं अब्दुल बासित अपने इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान जखीरा अंदोज मुतहर्रक हो गए। महकमा खुराक और जिले इंतजामिया भी जखीरा अंदोजों और आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने में नाकामी का शिकार हैं। कहीं मार्केटों में आटा नायाब तो कहीं इसकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 805 रुपए से बढ़कर 1300 रुपए से भी तजावज कर चुकी है। किसी जगह से आटा नहीं मिलता है, कोई चीज़ नहीं मिलती है, कोई खुराक नहीं बच्चों के लिए मिलती, घर में भूखे बच्चे। स्टोर वाले महंगा दे रहे आटा, तो मिलों वाले आटा नहीं दे रहे, ऐसी सुबह 6 बजे आटा लैन लगन फिरंदे। दूसरी जानिब कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली कहते हैं कि आटे की मांग में इजाफा होने से मुश्किलात का सामना है, अलबत्ता जल्द आटे की फराहमी यकीनी और कीमतें कंट्रोल कर ली जाएंगी। जो डीलर्स हैं उन तक पहुँचाना शुरू कर दिए, एक दो दिन में उनकी मॉनिटरिंग हम इंशाल्लाह सख्त कर देंगे कि जिस किस मिल से किस डीलर को जा रहा है, दोनों तरफ से वेरीफाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो डीलर सारी जो सारा का सारा जो सरकारी आटा है उन लोगों को असल रेट पे दें। शहरी हुकाम से मुतालबा करते हैं कि मार्केटों में आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ जखीरा अंदोजों को भी लगाम डाली जाए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस रोजाना की दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर तबका पहले से ही मुश्किलात का शिकार है, जबकि आटे की किल्लत और इसकी बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी को फाका कशी पर मजबूर कर दिया है, जो कि हुकाम की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन सदाम अली के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। कोरोना वायरस के वार मजीद तेज हो गए हैं। मुल्क भर में मरीजों की तादाद 1865 हो गई है। पंजाब में 652, सिंध 627 और खैबर पख्तूनख्वा में 221 केस सामने आ चुके हैं। बलूचिस्तान में 153, गिलगित बल्तिस्तान में 148, इस्लामाबाद में 58 और आज़ाद कश्मीर में 6 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं। मुल्क भर में अमवात की तादाद 25 हो चुकी है।
भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 148 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद मुतासर अफराद की तादाद 1,865 हो गई है। पंजाब में 652 और सिंध में 627 केसेस सामने आ चुके हैं। बलोचिस्तान में भी कोरोना वायरस से 153 और खैबर पख्तूनख्वा में 221 अफराद मुतासर हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 148, इस्लामाबाद में 58 और आजाद कश्मीर में 6 अफराद वायरस का शिकार हुए। आलमी वबा को शिकस्त देने में अब तक 58 अफराद कामयाब हो चुके हैं, जबकि मुल्क भर में अमवात की तादाद 25 तक पहुंच चुकी है। पंजाब में 9, सिंध में 7, खैबर पख्तूनख्वा में 6, बलूचिस्तान में 1 और गिलगित बल्तिस्तान में 2 अफराद वायरस के बायस जान बहक हुए। आजाद कश्मीर में कोरोना से अब तक कोई हलाकत नहीं हुई। उधर सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन जारी है। दुकानें, बाजार और दीगर कारोबारी मराकज बंद हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर शहरियों पर मुकदमा दर्ज किए गए, कुछ को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। ऐसे में वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, सूबाई हुकूमतों और NDMA को वार्निंग देना चाहता हूँ, कोरोना वायरस की गैर तस्दीकशुदा टेस्ट किट्स की भरमार है। जबकि तर्जुमान NDMA ने जवाब में कहा कि कोरोना की गैर तस्दीकशुदा किट्स नहीं मंगवाई, ये किट्स चीन की हुकूमत से तस्दीकशुदा हैं। कोरोना की किट्स का मामला फवाद चौधरी और NDMA आमने सामने। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, सूबाई हुकूमतों NDMA को वार्निंग देना चाहता हूं, कोरोना वायरस की गैर तस्दीकशुदा टेस्ट किट्स की भरमार हो रही है। टेस्ट मरीज को सेहतमंद जाहिर करे तो इससे कई जाने खतरे में होंगी। फवाद चौधरी के बयान पर तर्जुमान NDMA ने जवाब देते हुए कहा, कोरोना की गैर तस्दीकशुदा किट्स नहीं मंगवाई, वो चीन में पाकिस्तानी सफारतखाने के जरिए मिल रही हैं। तर्जुमान ने वाजे किया, चीन की हुकूमत ने जो किट्स दी हैं वो तस्दीकशुदा हैं। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन जारी है और मुख्तलिफ शहरों में कानून नाफिज़ करने वाले इदारे मुतहरिक हैं ताकि शहरियों की जो मूवमेंट है उसको कम से कम रखा जाए और शहरियों को महदूद किया जाए। इस सिलसिले में इस्लामाबाद से यासिर मलिक, लाहौर से राहिल सैयद और कराची से शामिर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद चलते हैं, यासिर से बात कर लेते हैं। यासिर, यहाँ बताइएगा लॉकडाउन की सूरत हाल क्या है? जी, मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन तो नहीं है, जुज़वी तौर पर लॉकडाउन है, मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं हमजा शफकात, उनकी जानिब से एक अच्छी खुशखबरी ये सुनाई गई है कि जो लोग इजी पैसा के ज़रिए अपने मोबाइल फ़ोन के बिल वगैरह जमा करवाना चाहते हैं, PTCL के बिल जमा करवाना चाहते हैं, तो ईजी पैसा शॉप्स जो हैं वो आज से 5 रोज़ के लिए ओपन कर दी गई हैं। इसके साथ साथ उन तमाम दुकानों के ऊपर लोग जो हैं वो अब अपने पैसे मंगवा भी सकेंगे। दूसरी जानिब मार्केटें बंद हैं, मुख्तलिफ जो स्टोर खुले हुए हैं, मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, उनमें जो ग्रॉसरी के स्टोर हैं, सब्ज़ी फ्रूट की जो दुकानें हैं, उनको खासी मुश्किलात अब देखने में आ रही हैं, चूँकि चीज़ें जो हैं उनकी किल्लत होती जा रही है। शहरियों को भी खासी मुश्किलात सामना है और चंद जो दुकानें खुली हुई हैं मुख्तलिफ जगहों पर वो वही दुकानें हैं जो छोटी छोटी दुकानें जिनको खोखा या ढाबा कहा जा सकता है, तो उसके ऊपर खासी अब मुश्किलात जो हैं वो पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। जो सेक्टर के अंदर छोटी मार्केटें हैं उनके ऊपर भी चीज़ों की किल्लत पैदा हो रही है और बाज़ दुकानें ऐसी हैं जिनके ऊपर ये शिकायत भी मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर अब किल्लत होने की वजह से दुकानदार जो हैं वो कुछ चीज़ें जो हैं वो महंगी भी फरोख्त कर रहे हैं। इससे इसके साथ साथ जो वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ जगह हैं वहाँ पर नाके लगाए गए हैं और यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि शहरी अपने घरों में रहें। कराची चलते हैं, शामिर खान से बात करते हैं। शामिर खान, आप बताइएगा कराची शहर की सूरत हाल क्या है और सिंध भर से क्या तलाद आ रही हैं? आज बिल्कुल मजबूरी सूरतेहाल की बात की जाए तो लॉकडाउन का आज नवा रोज़ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सड़कों पर मौजूद हैं, नाकाबंदियां की जा रही हैं, 12 नए पॉइंट्स का भी आज से जो है वहाँ पे भी आगाज़ किया गया, वहाँ पे भी नाकाबंदी की गई है। पाक फ़ौज के अहलकार भी है, रेंजर्स पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अहलकार भी मौजूद है, लेकिन शहरी जो हैं वो सड़कों पर खासा बड़ी तादाद में देखने पर आ रहे हैं। शहर की आम शाहराहों पर ट्रैफिक जो है वो खासा ज़्यादा देखने में आ रहा है, मामूल के मुताबिक नहीं है तो कुछ कम है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि आवाम जो है वो खासा बड़ी तादाद पर सड़कों पर निकली हुई है। यहीं पे कानून भी हरकत में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो शहरी घरों से बिला ज़रूरत बाहर निकले हैं, बगैर किसी वजह के निकले, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। यही वजह है कि 9 दिन
کے دوران اب تک 1000 سے زائد افراد کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا ہے، جبکہ 400 سے زائد مختلف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ آئی جی سندھ کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں شہریوں اور پولیس اہلکاروں کے لیے کہ وہ شہریوں سے کچھ فاصلے پر ہی رہیں، ماسک پہننے پہ جو ہے وہ زور نہ دیں، تاہم جو دیگر قانون کی پابندی ہے اس کو یقینی بنانے میں جو مکمل طور پر عمل درآمد کرائیں۔ تو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ سختیاں کی جا رہی ہیں، 5 بجے تک جو ہے آج شام تک جو کاروباری مراکز ہیں جس میں گروسری کی شاپس ہیں، میڈیکل سٹورز ہیں، ان کو بھی کھلنے کی اجازت ہے، پیٹرول پمپ کو بھی۔ ایسا ہی ہے، 1000 افراد شامیر آپ نے بتایا کہ اریسٹ کیے گئے ہیں۔ آپ کے عقب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر رواں دواں ہے اس لاک ڈاؤن کے دوران بھی۔ بہرحال لاہور آتے ہیں جہاں راحیل سید سے بات کریں گے۔ راحیل، ابھی ہم نے ہیڈ لائنس میں بتایا کہ لاہور میں رکشہ ڈرائیورز نے ریس لگائی ہے، وہ بور ہو گئے اور انہوں نے اس کام کا انتخاب کیا اس ساری سچویشن میں۔ جی، جو لاک ڈاؤن حکومت کی جانب سے کیا گیا تھا کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، وہ دکانوں کی حد تک، ریسٹورنٹ کی حد تک اور بڑے شاپنگ مال کی حد تک تو بڑا اچھا افیکٹو جا رہا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں سڑکوں پہ تو جو لاہوری ہیں وہ سڑکوں پر جو ہے وہ اس طرح لاک ڈاؤن میں جو ہے جس طرح حکومت کے احکامات اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جو شہر کی بڑی شاہراہیں ہیں وہاں پر تو معمول سے زیادہ ٹریفک دیکھنے میں آتی ہے کیونکہ وہ آبادی کے قریب ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں، لیکن جو کمرشل مارکیٹس جہاں پر موجود ہیں کیونکہ مارکیٹ بند ہے وہاں پر پھر بھی تھوڑی جو ہے وہ ٹریفک کا دباؤ کم ہے، لیکن زیادہ جگہوں پر جو ہے وہ ٹریفک معمول کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے، گو کہ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے سڑکوں پہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہو۔ جس طرح ابھی بات کی گئی ہے ریسیں لگانے کی، تو اس طرح نوجوان بھی جو ہے موٹر سائیکل پہ ریسیں لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس طرح رکشہ ڈرائیور بھی ریسیں لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ بڑے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نمائندگان مختلف شہروں سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، بہت شکریہ یاسر ملک، راحیل سید، شامیر خان، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار میڈیا کو بریف کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ فی فیملی اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی اور یہ ٹوٹل سسٹم فول پروف ہوگا اور اس میں کسی قسم کی ہیومن انٹریکشن نہیں ہوگی۔ آپ میسج کریں گے اور وہ ہمارے سسٹم میں آئے گا، اس کو ویریفائی کر کے دوبارہ بذریعہ ٹیلیکوز آپ کو پیسے وہاں پہ کنسرن آدمی تک ٹرانسفر کیے جائیں گے، اور یہ بات آپ کو بتانی تھی۔ اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشن دیے ہیں کہ پورے پنجاب کے اندر جو مساجد، مدارس اور جو بازارز ہیں وہاں پہ سپرے کریں، اور جراثیم کش ادویات جو ہیں ان کا سپرے، اور جو مختلف جو ڈائریکشن اور ایس او پی دیے اس کے مطابق اپنی صفائی اور ستھرائی کا بھی انتظام کریں گے۔ پولیس کو بھی آج ہم نے ڈائریکشن دی ہے کہ سیکشن 144 کے تحت جن لوگوں نے خلاف ورزی کی تھی اور جو پولیس کے پاس ہیں وہ لوگ، ان تمام افراد کو رہا کیا جائے ایز اے گڈ ول گیسچر۔ اور میں لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ مہربانی کریں، اپنے گھروں پہ رہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور الحمدللہ جو 1000 بیڈ کا ہمارا ایکسپو سینٹر کا جو ہاسپٹل ہے وہ کل سے ہمارا فنکشنل ہو جائے گا۔ یہ ہماری ایڈمنسٹریشن نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے، میں ان کو شاباش بھی دینا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی انسٹرکشن تھیں ان کے مطابق آج ہم جو ہماری سیمنٹ فیکٹریز ہیں پنجاب کے اندر جن کے اوپر پابندی تھی، ابھی نوٹیفیکیشن ایشو کر رہے ہیں، وہ ان سب کو ہم ایگزمپٹ کر رہے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر جو ہماری مختلف ڈپارٹمنٹس کام کر رہی ہیں، جس طرح سے ہم نے ہیلتھ کو 14 ارب روپے ریلیز کر دیے ہیں، اسی طرح جو ہماری پولیس پہ بھی بہت زیادہ سٹریس تھا جو کہ لا اینڈ آرڈر اور دوسری چیزوں کو کیٹر کر رہی ہے، ان کے لیے بھی ہم نے جو ان کی 10,000 اسامیاں تھیں وہ فوری طور پر ان کو اجازت دی ہے پر کرنے کی، اور ان کے لیے 25 کروڑ روپے ان کی آپریشنل جو اخراجات ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ان کو اجازت دے دی ہے، اور جو 500 گاڑیوں کی ان کی سمری تھی وہ بھی ہم نے منظور کر دی ہے تاکہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اپنی پوری کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پوری جو ہماری کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ڈیلی بیسس کے اوپر جتنے ایشوز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور میں انشاءاللہ خود بھی ابھی ایک چائنیز ڈیلیگیشن جو ڈاکٹرز کا آ رہا ہے اس سے بھی ہم ملیں گے، اور اپنے جو سائنٹسٹ ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، اور جو
इस बीमारी से मुतलिक जितनी मालूमात उनके पास हैं शायद किसी के पास ना हो, उनसे हम इस्तेफादा करेंगे। और जो होम क्वारंटीन जो SOP है हमने वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी शेयर कर लिए हैं, वो हमने हेल्ड कर लिए हैं जब तक कि चाइनीज़ हमारे जो डॉक्टर्स आते हैं उनसे मशवरे के बाद फिर हम उनको इशू करेंगे। दो दिन के लिए अभी हमने वो भी पेंडिंग किए हैं। इसके अलावा डे टू डे जितने इश्यूज थे वो हमने बैठ के डिस्कस किए हैं और तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं। इंशाल्लाह तमाम चीज़ें ठीक हैं, अंडर कंट्रोल हैं। तो मज़ीद हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को ये भी इंस्ट्रक्शन दिए कि अपनी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको भी ज़्यादा करें, जितनी वसाइल की ज़रूरत है वो हम आपको देंगे और टेस्टिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी वो ज़्यादा उसमें बेहतरी आएगी। और जो हमारे जितने जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए किट्स और PPEs वगैरह की, उनके लिए भी हमने आज एक कमेटी नोटिफाई हो जाएगी थोड़ी देर में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, जिसमें आर्मी के नुमाइंदे भी होंगे, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स भी होंगे, वो भी उनको इंश्योर करेंगे कि हर हॉस्पिटल में जो SOPs के मुताबिक होंगे, जहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्शन किट की ज़रूरत है वो वहाँ पर इंश्योर करेंगे। और एक सेंट्रल कंट्रोल रूम भी हम बनाएंगे कि जो कहीं से भी कोई चीज़ आ रही है तो ताकि यहाँ से भी पता हो और यहाँ से इशू हो और डिस्ट्रिक्ट में भी उनकी कमेटियाँ हों, वहाँ पे इंशाल्लाह तमाम चीज़ों को हम मॉनिटर करेंगे और देखेंगे और पूरी कोशिश होगी कि कहीं पे किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन पर लग रहे हैं और जो सारा वक्त जो है वो स्टेज पर होते हैं, अभी एक मैच को भी हो गया गुजरात में लेकर, उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं उनके लिए? दूसरा साथ में ये सहाफी फी स्टेज पर है और वो हर नमाज पर वो आपके साथ शाना बिशाना चल रहे हैं, सहाफियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, आपको पता है कि हमने जो लोग कोरोना रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए हमने एक तनख्वाह के बराबर उनको स्पेशल अलाउंस देने का ऐलान किया है। खुदा ना खास्ता अगर किसी की कोई डेथ होती है तो फिर उसको हम शहदा पैकेज भी देंगे, वो भी हमने अनाउंस किया हुआ है। जहाँ तक हमारे साफ़ी भाइयों का तल्लुक है तो डिपार्टमेंट से मैं कहूँगा कि वो हमें अपनी सिफारिश तैयार करके दें, फिर उसमें इंशाल्लाह उनको भी हम ज़ेरे गौर लाएंगे और कोशिश करेंगे आपके मसला भी हल करें। चिकित्सक साहब ये बताइएगा कि अच्छा है कि आप लगे रहें सारे, आप भी, आपकी टीम भी, और नज़र भी आता है जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब भी शायद 4 से 5 घंटे, आप पूरी टीम 4 से 5 घंटे जो है वो आराम करते हैं। दो दिन आपने भी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तो किस तो हमारे पास कम है। सीज़ एक अदारा है जो कहता है कि 5 लाख उनके पास किट्स मौजूद हैं, जब तक ज्यादा टेस्ट नहीं करेंगे तो मसाइल तो करेंगे, टेस्ट तो करना पड़ेंगे। नंबर एक कि हमें कितनी मजीद, क्या हम 5-10 हज़ार यही थोड़ी मोटी किट्स मंगा के गुजारा करेंगे? दूसरी बात तबलीगी जमातों के हवाले से क्या मामला जरूर हो रहा है? एक फर्द को निकलता है वो मजीद 10 को कर देता है, ठीक है मजहबी मामला है, पॉजिटिव सेंस में हमें देखना चाहिए, लेकिन वो तो मामला बढ़ता नजर आ रहा है, तो इस पर आप क्या राय रखते हैं कि क्या एक्शन लेना चाहिए और इस पर हमें क्या इसी तरह लेके इसको चला जाएगा या कि मजहबी मामले की वजह से हमें चुप रहना पड़ेगा? एक तो आपने किया कि टेस्टिंग, जिस तरह मैंने खुद भी बताया था कि हमें अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ानी चाहिए, जितनी टेस्टिंग होगी हमें ज़्यादा पता चलेगा। 8 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमने टेस्टिंग लेबॉरेटरीज कायम करने के लिए 62 करोड़ रुपए हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिए, जिनके ऊपर काम जारी है। वो इंशाल्लाह सिर्फ 1 डिविजनल हेडक्वार्टर पर कल से काम स्टार्ट होगा, बाकियों के ऊपर हो चुका है। आपको पता है PKLI के अंदर एक नहीं, अब 2 जो हमारे लेबॉरेटरीज़ हैं वो काम कर रही हैं, एक प्राइवेट कंपनी है उसके साथ भी उनका माहदा हो गया है कि मेरे ख्याल में 5,000 के करीब किट्स उनके पास भी पहुंच चुकी हैं। मेनली जो NDMA को हमने ऑर्डर किया, क्योंकि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट होती है, उनको भी हमने पैसे दिए हुए हैं ताकि वहाँ से भी हमारी जो मेजर चंक है उसने आना है। और यहाँ लोकल लेवल पर भी आज भी मैं मिला हूँ हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ, कि इस किस्म की कोई
टेक्निक भी डेवलप की जाए ताकि हम जो किट्स हैं इनमें हम खुद कफील हो जाएं, इनका कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि फौरी तौर पर हमें पता चले, वो भी लगे हुए हैं। इंशाल्लाह कल नहीं परसों उनके साथ भी हमारी मुलाकात होगी, उनसे भी मज़ीद हम गाइडेंस लेंगे। हमारी तो पूरी पूरी कोशिश है कि फौरन हम इसको इस मसले पे हम काबू पा सकें। दूसरी बात आपने की कि तबलीगी जमात वालों की, बिल्कुल जी हमारे मोहतरम हैं, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं और वो तबलीग का उनका एक सिलसिला है पूरे मुल्क